ये पूछना ही सारी गड़बड़ है कि मेरे डेज कितने हैं, ये पूछना ही। असल बात तो ये है कि जब डेज गुजर जाएं और 95 दिन पे कोई पेशेंट आके कहे कि जी अभी काम बना नहीं, कोई 15 के दिन बढ़ा दे मेरे, ये है वो चीज़ जो कि बताती है कि कोई बंदा बदलना चाहता है, कोई बदलना चाहता है। ये नहीं कि अच्छी अच्छी वो जो गुड्डी गुड्डी बातें आप कह रहे थे ना, कि वालदेन गुड्डी गुड्डी बातें सुनना चाहते हैं और पेशेंट को पता होता है कि वालदेन क्या सुनना चाहते हैं और काउंसलर्स क्या सुनना चाहते हैं, तो वो गुड्डी गुड्डी बातें सारी कर ली जाएं और वो दिन टपा दिया जाए जिसमें से आप गुजर रहे हैं। लेकिन असल बात जो है वो अब होगी जब अब हम एक नया काम शुरू करने लगे हैं कि पेशेंट्स का एक ग्रुप होगा जिसमें कोई काउंसलर नहीं होगा, पेशेंट्स का एक ग्रुप होगा जिसमें कोई काउंसलर नहीं होगा और पेशेंट एक दूसरे से कन्फ्रंटेशनल बात करेंगे, वो जो लूजर स्टोरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे और वो बताएंगे एक दूसरे को कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। मुश्किल काम है ना, इसको हम गेम चेंजर का नाम देंगे, गेम चेंजर सेशन। इससे सारी गेम बदल जाएगी जब एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बोलेगा कि यार तुम बहुत झूठ बोलने वाले बंदे हो, यार तुम बहुत लारे लप्पे लगाने वाले बंदे हो और तुम अंदर से बहुत बेईमान हो यार, और इस तरह की खुल के बातें एक दूसरे के साथ जो करेंगे तो पहली दफ़ा जब सुनने वाला सुनेगा तो कहने मैनू नहीं कह रहा, किसी और नू कह रहा, फिर दूसरी दफ़ा उसे बोला यार नहीं तुम ही कह रहा हूँ, देखो ना तुम ये हो तो तुम ये करते थे और तुमने यूँ ऐसे किया था, तो तुमने नशे की खातर ये काम भी किया था, ये जुर्म भी किया था, अपनी माँ का तुमने सर फाड़ दिया था। तो जब स्ट्रेट ऐसी बातें करेंगे तो 4-5 दिन के बाद रात को जब वो बिस्तर पे लेटेगा कहते यार वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तो बंदा कहेगा लगता तो है नहीं कि मेरी बारे में गल हो रही थी। ये जो गेम चेंजर सेशन है मैं इसमें से गो थ्रू हुआ हूँ। 1992 में डॉक्टर एल्बर्ट बंडूरा के साथ मैं कुछ काम कर रहा था अपनी जहनी सेहत पे और अपने हालात पे, और वहाँ गेम चेंजर सेशन होता था कि जिसमें पार्टिसिपेंट को कहा जाता था कि थोड़ा बेड़ा गर्क है बिल्कुल, और मैं ये बात सुनकर कहता था इतनी दूर से मैं आया हूँ कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, और आप मुझे कहते थोड़ा कुछ नहीं हो सकता, यू आर मेस्ड अप, थोड़ा बिल्कुल बेड़ा गर्क है। तो जब इतना बड़ा आदमी दुनिया का इतना बड़ा साइकेट्रिस्ट जो है आपको सामने कहेगा तू जा टूट जाओ वापस, थोड़ा कुछ नहीं हो सकता, तो आप सोच लें कि रिएक्शन क्या होगा, बंदे का दिल चाहेगा कि मैं अभी फौरन चला जाऊं। और ये जो सच्ची बातें हैं जो ग्रुप में इस तरह गेम चेंजर ग्रुप में होती हैं, इससे सारा जेन बदलता है। ये जो एक तसल्लियां देनी होती हैं, ये जो एक जो गुड़ी गुड़ी बातें जो करने वाली बात होती है, तो उससे तो काम नहीं बनता। और पेशेंट जब एक दूसरे की जिम्मेदारी भी लें, जो आगे है वो पीछे वाले की जिम्मेदारी ले, जब अब्दुल रशीद जो है वो मोहम्मद सलीम की मदद करेगा, जब उसको टीच करेगा, जब उसको कुछ सिखाएगा, तो मुझे बताए कि फ़ायदा अब्दुल रशीद को होगा या मोहम्मद सलीम को होगा? अब्दुल रशीद को होगा जो बोलता है, जो दूसरा है वो कहता छड़ यार फजूल गल की गल कर रहे तू, मैनू ये गल्ला ना कर दो, लेकिन जो कहने वाला है अब्दुल रशीद उसको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि वो मुखलिस है, उसने रिस्क ले लिया है, उसने मोहम्मद सलीम को पकड़ा है, उसने बोला कि देखो अकल दी गल कर तू की गल पे करना, तो जो कहने वाला है उसको तो फ़र्क पड़ जाएगा। तो एक बंदे ने अपने आप को बदल दिया और दूसरे को भी आहिस्ता आहिस्ता बार बार जब कोई ना कोई कहता रहेगा, कोई ना कोई कहता रहेगा, तो मुझे बताएं कि क्या घर वाले इस पोजीशन में हैं कि हम उन्हें कहें कि अच्छा यार ये किया करो, इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं तो कितने मसाइल होते हैं, कितनी मुश्किल पेश आती है। तो क्या घर वालों को अगर हम कहते हैं कि आएं अपने मरीज से मिलें और उसको बताओ कि तुम झूठे इंसान हो, तुमने हमें कितनी ज़िंदगी में झूठ बोल बोल के परेशान किया है, और ये माँ कहे, ये बहन कहे, ये वालिद कहे, ये बीवी कहे, ये बच्चे कहें, होते हैं ना आप फैक्ट्स बता रहे होते हैं ना, प्रोवोकिंग तो वो होती है जिसमें आप लाल पीले हो रहे होते हैं, पर इसमें आप तो ऐसे हल्की हल्की स्माइल के साथ बात करते हैं कि काका गाल है वे कि तू तो है बड़ा झूठा, बड़े झूठ बोले,
उसने चोरी चोरी बड़े गलत काम किए, तुमने कभी भी दयानत से काम नहीं लिया, तुमने हमेशा बददियानती की और जुर्म को कभी जुर्म ही नहीं समझा, कहने दें वो कहने दें, लेकिन एक थेरापूटिक जो चीज़ होती है, देखिए एक टीके में और एक सुई चुबोने में एक बुनियादी फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है आप बताएंगे? तो अगर खाली सुई चुभोएंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं ना, सिवाय इसके कि किसी को इन्फेक्शन कर देंगे आप। लेकिन अगर आप सुई चुभोएंगे और फिर प्लम्बर से आप पीछे से उसको प्रेस भी करेंगे और दवाई जिस्म में चली जाएगी तो उससे बात बनेगी ना। जो घर पे करते हैं आप उसको उससे ना मिलाएं। जब 4:15 पे घर पे वालदैन अपने बच्चे के साथ बिस्ती प्रोग्राम शुरू करते हैं और वो 5:35 तक चलता रहता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। जब आप कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुमने इतने झूठ बोले, तुमने कम से कम 10,000 झूठ बोले, या तुमने फलां मौके पे झूठ बोला, फलां मौके पे तुमने ये खुदगर्जी की, तुमने ये सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया, फलां मौके पे तुम पुलिस में जा फंसे थे तो पुलिस वाले के पाँव पर हमें गिरना पड़ा था। तो जब आप फैक्ट्स बता रहे होते हैं और 1-1.5 के अंदर बात ख़त्म कर देते हैं। मुझे एक दो वालदैन ने रब्ता किया कि आप जो अक्सर ये कहते हैं कि सारी बातें नहीं बताते तो क्यों नहीं बताते? मैंने कहा आप सुन नहीं सकते, मैं हम इसलिए नहीं बताते। तो उन्होंने बोला कि जी असी सुनिए या ना सुनिए, तुसी अपना काम करो। तो मैंने कहा अच्छा मैं करके देख लेता हूँ। इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं, सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।